फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर होंडा ने इस फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए इस नए एक्टिवा स्कूटर को ला दिया है, जो कि स्पेशल एडिशन के साथ आया है। तो इस स्पेशल एडिशन में क्या स्पेशल आपको मिलने वाला है, इसकी क्या ऑन रोड प्राइस होने वाली है, तो सारी चीज़ों के जो है सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। और साथ ही के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर एक्टिवा एच स्मार्ट अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो उस स्कूटर से और इस स्कूटर में आपको क्या डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, तो आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स रश दिस वीडियो। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के ओवरऑल एक लुक्स के बारे में, क्योंकि स्पेशल एडिशन में मोस्टली आपको जो है लुक्स वगैरह में ही ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे। तो लुक्स वगैरह जो है आप लोग देख लो, ये ब्लैक कलर आप लोग देख रहे हो, इसके अलावा आपको एक कलर ऑप्शंस और देखने मिलता है जो कि है इसका पर्ल ब्लू कलर, उसकी इमेज मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। तो ये दो कलर ऑप्शंस के साथ ही ये स्पेशल एडिशन जो है आपको देखने मिलता है। तो मेनली जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो स्पेशल एडिशन का जो है स्टिकर भी आपको मिल जाता है, और ये जो ग्राफिक्स आप लोग देख रहे हो ये भी आपको इसी स्पेशल एडिशन में मिलते हैं। तो जिसके कारण जो ओवरऑल लुक है इस स्कूटर का वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। दोनों तरफ आपको ये स्टिकर देखने मिलते हैं, और जो पर्ल ब्लू कलर है उसमें भी सेम इसी तरह के स्टिकर है, लेकिन जो कलर है वो आपको टोटली डिफरेंट देखने मिलता है। और यहाँ पर भी एक्टिवा का जो है 3D लोगो, और यहाँ पर भी स्टिकर का यूज़ किया गया है, सेम स्टिकर है। तो जो ओवरऑल लुक है कुछ इस तरह का आपको ये स्कूटर प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके जो लुक्स है इस स्पेशल एडिशन के कारण और भी ज़्यादा बढ़िया हो चुके हैं, और पीछे से कुछ आपको इस तरह का लुक मिलता है। एक्टिवा स्पेशल एडिशन के एक और चेंजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इसके व्हील्स में चेंजेस देखने मिलेगा। यहाँ पर अलॉय व्हील का ऑप्शन जो है अब फाइनली एक्टिवा में भी दे दिया गया है। जो नॉर्मल पहले एक्टिवा आते थे उनमें आपको स्पोक व्हील देखने मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अब कंपनी वालों ने स्पेशल एडिशन के साथ जो है अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जो टायर है ये MRF की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिनका जो सेक्शन है वो है 90x90 का, और 12 इंच के साथ आपको ये जो है अलॉय व्हील देखने मिलता है। और वहीं चले पीछे की तरफ, तो पीछे भी आपको MRF के तरफ से ही ये टायर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और पीछे भी आपको अलॉय व्हील देखने मिलता है जो कि 10 इंच के साथ ऑफर किया जा रहा है। और जो पीछे का टायर है ये 90x100 सेक्शन के साथ आता है, तो काफ़ी चौड़ा टायर है फ्रंट और रियर वाला। और इस स्कूटर में आपको इसी सेक्शन के साथ जो है टायर्स देखने मिलते हैं। बाकी अब आप लोग इसका साउंड सुनो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना इसका साउंड जो है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। गाइस बात करें इस एक्टिवा स्पेशल एडिशन के इंजन के बारे में, तो देखो इंजन है सच कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं देखने मिलने वाला है, वही 110cc डिस्प्लेसमेंट के साथ ये इंजन आपको देखने मिलेगा, जो कि करीबन 7.7 BHP के आसपास आपको पावर निकाल के देता है अराउंड 8000 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो करीबन आपको 8.9 न्यूटन मीटर के आसपास देखने मिलेगा 5500 RPM पर। तो इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स ये मोटरसाइकिल, ये स्कूटर आपको कहीं से भी निराश नहीं करने वाला है, बहुत सही पावर फिगर्स आपको ये स्कूटर प्रोवाइड करता है। तो चाहे आप लोग इसे सिटी में चलाओ या फिर हाईवे पर, तो सभी जगह ये स्कूटर जो है आपको अच्छा रिस्पांस निकाल के देने वाला है। हाँ, इनिशियल पिकअप जो है इस स्कूटर का थोड़ा बहुत आपको इसके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे कम देखने मिलता है, लेकिन फिर भी ये स्कूटर जो है आपको निराश नहीं करने वाला है। वहीं इस एक्टिवा स्कूटर के अगर ब्रेकिंग ड्यूटीज़ के बारे में बताऊं तो यहाँ पर फ्रंट एंड पीछे जो है आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन देखने मिलता है, लेकिन जो अच्छी बात है कि ये स्कूटर जो है CBS टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। चाहे आप लोग पीछे का ब्रेक दबाओ या फिर आगे का, एट ए टाइम दोनों ब्रेक जो है वो ड्रम ब्रेक जो है वो अप्लाई होने वाले हैं, तो जिसके कारण जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है इस स्कूटर की वो इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी अच्छा आपको कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करती है। और वहीं बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं, तो जब उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर भी आप लोग इस स्कूटर को लेकर निकलोगे तो अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। और वहीं बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो पीछे आपको सिंगल शॉक एब्जॉर्बर देखने मिलता है, जिसे आप लोग 3 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि 3 लेवल तक का जो है एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए, अगर आपको हार्ड फील हो रहा है तो आप लोग इसे सॉफ्टर बना सकते हो, तो इस तरह के एडजस्टमेंट भी आपको इस स्कूटर के सस्पेंशन में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर होंडा वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। बाकी जो एक्टिवा जितने भी आते हैं उनकी जो बैटरी है
नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती कि इनके जो स्कूटर है उसकी बैटरी कहाँ आपको देखने मिलती है, बाकी जो स्कूटर से उनकी जो बैटरी है वो आपको कहीं यहाँ पर प्लेस की हुई दिखने मिलती है, लेकिन जो होंडा के जितने प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलते हैं उनकी सबकी बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है। ये जो आप लोग कटआउट देख रहे हो इसके नीचे ही आपको जो है बैटरी का सेक्शन देखने मिलता है। बाकी अगर बॉडी के बारे में बात करें तो गाइस जो मडगार्ड आप लोग देख रहे हो ये भी स्टील का है, और ये जो पोर्शन है सिर्फ ये फाइबर का है, बाकी कम्प्लीटली ये जो बॉडी है ये आपको मेटल की मिलती है। लेकिन बाकी अगर स्कूटर देखते हो जैसे एक्सिस वगैरह तो वो कम्प्लीट फाइबर बॉडी आती है, तो यहाँ पर मेटल का यूज किया गया। बिल्ड क्वालिटी के मामले में होंडा वालों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और जब आप इस स्कूटर को हाईवे पे लेके निकलोगे तो अच्छा जो है कॉन्फिडेंट ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करता है। बाकी गाइस बात करते हैं इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो जो मैं प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑन रोड मुंबई प्राइस है। अगर आप लोगों को अपने सिटी में इस स्कूटर की प्राइस जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसकी जो ऑन रोड मुंबई प्राइस आपको पड़ती है इस स्पेशल एडिशन की वो है करीबन 98,000 के आसपास, ये स्पेशल प्राइस है। तो अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल करो, ये प्राइस आपको मुंबई में कहीं भी नहीं देखने मिलेगी। तो जाओ जल्दी से जल्दी इस डील का फायदा उठाओ। और बाकी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप लोग एच स्मार्ट वाला वर्जन लेने की सोच रहे हो तो उसमें और इसमें जो मेन डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे, ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये वहां पर अलग कलर के साथ देखने मिलता है, और जो सीट है वो आपको ब्राउन कलर के साथ देखने मिलती है। एच स्मार्ट के साथ यानी कि कीलेस एंट्री वाला जो फीचर है वो आपको उसमें मिलता है। तो टोटल 3 डिफरेंसेस आपको इस स्कूटर में और एच स्मार्ट में देखने मिलेंगे। तो अगर आप लोग 6G में जो है ऐसा ऑप्शन देख रहे हो जिसमें अलॉय व्हील्स और जो कलर्स वगैरह वो अच्छे मिले, तो डेफिनेटली आप लोग इस कलर के साथ जा सकते हो। और सीट वगैरह मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आपको प्रेस करना होगा और कुछ इतना स्पेस जो है यहाँ पर आपको मिलता है। तो एक फुल फेस हेलमेट आप लोग अपने साथ यहाँ पर कैरी कर सकते हो, और फ्यूल जो कैप है वो आपको यहाँ पर मिलता है, तो वो भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। उसको यहाँ से आपको प्रेस करना होगा, जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ से जो है फ्यूल वगैरह आपको फिल करना होगा। जो कंसोल है ये बेसिक सा कंसोल आपको यहाँ पर मिलता है, तो डिजिटल वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, फुली एनालॉग कंसोल आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको इंजन किल स्विच और लेफ्ट हैंड साइड में हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन मिलता है। बाकी मिरर्स भी मिलते हैं, फिलहाल इसमें नहीं लगे हुए क्योंकि ये अभी जस्ट अभी शोरूम्स पे आया है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।